आपने अभी अजय राय का जिक्र किया, उनका नाम लिया कि वो चिट्ठी लेके बैठे हुए हैं, मगर उनकी चिंता की लकीरें भी खिंच गई हैं ऐसा कहा जा रहा है उनकी संभावित लोकसभा सीट को लेकर। पिछली बार वो लोकसभा चुनाव लड़े थे बनारस से, वाराणसी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और इस बार ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत इच्छुक नहीं है, मगर अब क्योंकि वाराणसी आ गई है कांग्रेस के हिस्से में और जहां से वो इच्छुक बताए जा रहे थे बलिया, वो है सपा के हिस्से में, तो क्या कुछ कहानी चल रही है, इसकी पूरी कहानी क्या है पंकज जी? देखिए, अजय राय जो है वो चाह रहे थे कि बलिया से मैं चुनाव लड़ लूं, उसके पीछे एक आधार भी था। बलिया में जो दो विधानसभा पड़ती है ना, उसमें भूमियार उनकी बिरादरी के लोग ठीक ठाक हैं, पर उन विधानसभा सीटों में मुख्तार अंसारी का भी और उस परिवार का भी प्रभाव है। अब अजय राय और मुख्तार अंसारी, आप जानते हैं पूरी कहानी, अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या का मामला, फिर कृष्णानंद राय की हत्या का मामला, इन दोनों के बीच में रिश्ते जो हैं वो 36 के हैं। अब जाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो चुके हैं, बलिया से मांग रहे थे, और इसीलिए बलिया को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बड़ा गतिरोध भी बना हुआ था, लेकिन बलिया सीट छोड़ी नहीं गई। इस बीच में समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र पटेल को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया बनारस से। खैर, बाद में जो गठबंधन हुआ है, बनारस की सीट मिल गई है कांग्रेस को। अब अजय राय वहां से लड़ेंगे। अजय राय दो बार नहीं, उससे पहले भी लड़ते रहे हैं, वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी जब मुरली मनोहर जोशी वहां से लड़े थे तब भी लड़े, 2014 भी लड़े, 2019 भी लड़े, लड़ते लड़ते लड़ाके हो गए। अब चाहते हैं कि पिच बदल ली जाए, क्योंकि उन्होंने पूरा स्टेडियम पिच सारे देख लिए, फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग सब देख चुके हैं, उनको अंदाजा हो गया है कि यहां से लड़ना और सामने में कौन है, नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने सोचा बलिया ऐसी सीट है जहां कुछ संभावनाएं है, पर वो तो आया नहीं। तो अब वो लोगों से कह रहे हैं, अपने करीबी लोगों से, कि भाई मैं तो प्रदेश अध्यक्ष भी हूं ना, और प्रदेश अध्यक्ष तो चुनाव लड़वाता है, अगर मैं ही चुनाव लड़ने लग जाऊंगा तो फिर बाकी लोग कौन चुनाव लड़वाएगा। अब ये तर्क उन्होंने गढ़ने शुरू किए हैं, और यहीं से शक होने लगा है कि अजय राय बनारस से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसमें एक और पेंच है जी, बनारस के पूर्व सांसद रहे राजेश मिश्रा, वो भदोही से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, भदोही में ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या है, भदोही सीट समाजवादी पार्टी ने उनके लिए छोड़ी नहीं। भदोही में एक और एंगल आ गया है कि ललितेश पति त्रिपाठी जो हैं, कमलावती त्रिपाठी के परिवार के, जो यहाँ तृणमूल कांग्रेस से है, ममता बनर्जी की पार्टी से, वो अखिलेश यादव से मिल लिए हैं, हो सकता है कि अखिलेश यादव उनको दे दे। तो अगर राजेश मिश्रा नहीं लड़े, मतलब ऐसी संभावना बन रही कि अगर अजय राय नहीं लड़े तो राजेश मिश्रा को बनारस में लड़ाया जा सकता है, ऐसी एक संभावना बनती दिख रही है। बिल्कुल, तो अजय राय उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं इसलिए उनका चुनाव लड़ना मुश्किल होगा, भाई प्रचार करना होगा, कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन देना होगा, इसलिए उनका लड़ना मुश्किल रहेगा।